होता है चेतना लक्षण से युक्त होता है। चेतना क्या होती है? ज्ञान दर्शन
ये चेतना कहलाती है। ज्ञान दर्शन जो है उपयोग जीव का लक्षण है। जैसे हम अपनी पहचान किसके माध्यम से करते हैं, वैसे कोई लोग जो है लंबाई से भी कितना लंबा है, कोई लोग रंग से, कोई लोग नाम से, कोई लोग काम से क्या काम करते हैं, कोई लोग कहाँ रहते हैं, ऐसे पहचान होती है। लेकिन ये पहचान कैसी है, हमारी असली पहचान नहीं है, क्योंकि इसमें तो परिवर्तन हो जाता है। जब कोई व्यक्ति यहां से दूसरी जगह चला जाता है तो उसका जो है क्षेत्र बदल जाता है, और यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका जो है दूसरा जो शरीर रहेगा तो उसमें तो ना लंबाई वैसी रहेगी, ना रंग वैसा रहेगा, ना काम वैसा रहेगा, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे उसको। तो उसको पहचानने का जो लक्षण जिसको कहा जाता है, बहुत सारी चीजों में एक जिसके माध्यम से जिसको पहचाना जाता है, तो जीव की पहचान होती है ज्ञान और दर्शन से। ज्ञान और दर्शन उसके कभी भी उसका छांसांत नहीं छोड़ते, हमेशा हर अवस्था में विद्यमान रहते। कितना भी कोई छोटी सी छोटी पर्याय में पहुंच जाए, निगुण की पर्याय में पहुंच जाए, लेकिन उसके पास में भी ज्ञान और दर्शन विद्यमान रहता है। उसके लिए उदाहरण वही दिया जाता है, जैसे आज खूब बादल छाए हुए थे, लेकिन दिन में कितने भी बादल छा जाए लेकिन रात जैसा अंधेरा नहीं होता। इसी प्रकार से कोई सी भी पर्याय में जीव चला जाए लेकिन उसके ज्ञान और दर्शन जो है पूरी तरह से नष्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ वहां पर प्रकट रहते हैं, वही उसका लक्षण हमेशा विद्यमान रहता है, उसके माध्यम से हम उसको पहचान सकते। और यदि हम, जैसे हमने भी बताया कि जिन चीजों के माध्यम से हम पहचान कर रहे हैं और वो उसकी स्थाई नहीं है, तो हम उसको फिर पकड़ नहीं सकते। जैसे एक बार हुआ, किसी ने कहा कि भैया वो उनके घर जाना है, तो उनने देखा था कि उनके घर के ऊपर जो है बंदर हमेशा बैठे रहते थे, तो उन्होंने कहा आप जाओगे वहां पे बंदर बैठे हुए मिलेंगे। अब बंदरों का कोई भरोसा है? जैसे आनंदकूट है शिखर जी में, आनंदकूट अभिनंदन नाम भगवान बाबा का चिन्ह भी है, हमने अपने भजन में भी लिखा कि अक्सर वहां पर जो है बंदर दिखते हैं, लेकिन यदि वहां पर बंदर नहीं हो तो क्या वो आनंदकूट नहीं है? मतलब वो पहचान उसकी सही पहचान नहीं है। कह सकते कि भी अक्सर मिलते हैं, प्रायः मिलते हैं, आप जब भी गए हो तब भी मिले हो, लेकिन ये कोई नियम नहीं बना सकते कि बंदर जिस कूट पे हो वही आनंदकूट है, दूसरे कूट पे बैठ गए तो ये उससे पहचान नहीं हो पाती। यानी जो जिसके माध्यम से किसी की पहचान की जाती है वो लक्षण कहलाता है। तो एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति सामान खरीदने किसी दुकान पर गया, सामान खरीदने के बाद में उसने बड़ा नोट दिया, वो बड़ा नोट देने के बाद में वो छुट्टे नहीं थे उसके पास, उसने कहा भाई आज छुट्टे हैं नहीं है, कल ले जाना। उसने कहा ठीक है कल ले जाएंगे। सामान लेकर के वो चला गया, घर में आकर के सो गया। रात में सोचता है कि मैं जिस दुकान से सामान लेकर के आया हूँ वो पहली बार मैं गया था, अब मैं कल जाऊंगा तो कैसे पहचान पाऊंगा कि उस दुकान से मुझे पैसे वापस लाना है। फिर बहुत याद किया कि कैसे मैं पहुंचूंगा वहां तक, तो याद आया उसको कि उसके सामने गैया बैठी हुई। अब उसने वो लक्षण बना लिया कि जिस दुकान के सामने गाय बैठी हो उससे मैं सामान लेकर के आया, और दूसरे दिन वो वहां पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद में सीधा दुकानदार से कहता भैया कल सामान ले गए थे और वो बाकी के पैसे दो। तो उसने पूछा कल क्या सामान ले गए थे? तो कहने लगे किराने का सामान। तो उसने कहा देख रहे दुकान काहे की है? अरे जिस दुकान से तो पैसे बांधे सामान कर रहे हो उससे तो पूछो कि भैया काहे की दुकान है, देखो तो सही उसको। कहने तुम कल क्या सामान ले गए? कहने वही किराने का सामान। कहने देख रहे हो ये दर्जी की दुकान है? अरे कहने कहने तुम कितने बड़े ठग हो, तुमने एक दिन में पैसा नहीं देना पड़ा इसके धंधे बदल दिए। दोष उसको दे रहे हैं लेकिन अपन ने लक्षण सही नहीं बनाया। तो सही लक्षण जो है अपनी पहचान, यदि अपने को करना है तो अपना ज्ञान और दर्शन, बस वो ही जीव की पहचान। तो ऐसे जो है हमें जीवन तो सबके माध्यम से उसको शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना है, उसकी जो अभी अशुद्ध अवस्था में उसका जो ज्ञान दर्शन है वो उसका जो है वही बढ़कर के विस्तार में पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगा।
तो ऐसे ज्ञान दर्शन के लक्षण के माध्यम से अपने को जीव तत्व को जानना है। और इसके बाद में दूसरा आता है अजीवत्व। अजीव जो तत्व है, जो चेतना लक्षण से रहित है, वो अजीव है। जितनी भी चीजें हमने कल बताई थी वो सब अजीव है। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर कहीं गए तो उनको जो कुर्सी रखी तो उन्होंने कहा कि ये सजीव तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो कुर्सी है वो सजीव कैसे हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि हमारा मतलब ये था कि इसमें खटमल आदि तो नहीं है, कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो खटमल तो नहीं काटेंगे, हमारा ये भाव है। यानी उसमें अजीव है लेकिन उसमें कोई जीव तो नहीं, ऐसा भाव। तो ये पुद्गल की पहचान जो है कि जो चेतना लक्षण से रहित होता है वो अजीव होता है। अब इसके बाद में आश्रव तत्व की बात आती है। फिर आश्रव तत्व क्या होता है? जीव और पुद्गल का जब मिलन होता है तो उसमें जीव में पुद्गल का आना, कर्मों का आना, वो आश्रव कहता है। बंध जो कर्म आए हैं जीव के साथ में टिक जाते हैं वो बंध कहलाता है। कर्मों के आने के द्वार को बंद कर देना वो संवर कहलाता है। कर्मों का एक देश अलग करना वो निर्जरा कहलाती है। और जब कर्म पूरी तरह से अलग हो जाते हैं तो मोक्ष होता है। आप लोगों ने पाठशाला में एक उदाहरण सुना होगा कि नाव को जो है वहां पर अजीब का रूपक दिया और उसमें बैठा हुआ नाविक या जो व्यक्ति पार करना चाहता है उसको जीव का। फिर इसके बाद में आश्रम के लिए क्या कहा? हाँ, उस नाव में जो छेद है वो कहलाते हैं आश्रम। फिर उसके माध्यम से पानी आता है और पानी वहां पर रुक जाता है, वो हो गया बंध। फिर उस पानी को यदि पड़ता जाएगा तो नाव डूब जाएगी, तो क्या करते हैं उस नाव के पानी को आने को रोकना पड़ता है। तो किसके माध्यम से? लकड़ी के माध्यम से, कपड़े के माध्यम से उसके छिद्रों को बंद करते हैं। तो जहां पर पानी को रोका जाता है वो हो गया संवर। और उसके बाद में निर्जरा, निर्जरा के लिए उसमें से जो पानी भर गया है उसको निकालना, तो किसी माध्यम से, कोई गिलास के माध्यम से उसको बाहर, डब्बे के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा पानी निकालना वो हो गया निर्जरा। और जब नाव पूरी तरह से पानी से रहित हो गई, अब उसके डूबने का कोई खतरा नहीं है, वो मंजिल को, अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेगी, वो हो गया मोक्ष। अब ये सामान्य रूप से तो आपने समझ लिया है, अब विशेष रूप से समझने के लिए इसको कि एक होता है भावाश्रम और एक होता है द्रव्याश्रम। द्रव्य संग्रह जिन्होंने पढ़ा होगा उसमें जिन भावों के माध्यम से कर्म आ रहे हैं वो भावाश्रम कहलाता है। तो यहां पर जिन छेदों के माध्यम से पानी आ रहा है वो है, जिन छेदों के माध्यम से पानी आ रहा है वो है भावाश्रम, और पानी का आना वो हो गया द्रव्याश्रम। इसी प्रकार से जिन मिथ्यात्वादी भावों के माध्यम से कर्मों का आना होता है वो भावाश्रम कहलाते हैं। और आठ प्रकार के कर्म आत्मा में कर्म करना है, कर्म के रूप में परिणत होकर के आ जाती है, वो कहलाता है द्रव्याश्रम। तो ये जो है आश्रम किसके माध्यम से होता है? हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति के माध्यम से आश्रम होता है। और जब कर्म आते हैं तो ठहर जाते हैं, तो उसमें दीवारें जो है, नाव की जो दीवारें हैं वो उनको, पानी को रोक लेती है, तो वो कहलाता है द्रव्य विभाव बंध। और पानी का रुक जाना वो कहलाता है द्रव्य बंध। तो यहां पर भी अपने जो भाव हैं उनके माध्यम से कर्म वहां पर ठहर जाते हैं, और उन कर्मों का आत्मा से जितने समय तक ठहरे रहते हैं वो बंध अवस्था कहलाता है। अब कर्मों का जो आना होता है, हमने देखा कि मन की क्रिया के माध्यम से, वचन की क्रिया के माध्यम से और काय की क्रिया के माध्यम से कर्मों का आना होता है। तो हम प्रत्येक समय
कुछ ना कुछ मन में सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, काय से भी कार्य करते रहते हैं। जो जीव जिनके पास में केवल काया है, ना तो वचन है जिनके पास में, ना मन है, एक इंद्रिय जीव जो है उनके पास में केवल काया है, तो उनका केवल काया के माध्यम से ही कर्म का आश्रय होता है। जो दो इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचमी तक के जीव है, उनका केवल बोलने से और काय के माध्यम से, और जो संगी पंचेंद्रिय जीव है उनका काय से भी, वचन से भी और मन से भी, इन तीनों तीनों माध्यम से वहां पर कर्मों का आश्रय चलता है। अब कर्म आते हैं और टिक जाते हैं, फिर वो अपना फल भी देते हैं। तो कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं था, ऐसा कैसे घटित हो गया। जैसे दो धारणों के माध्यम से अपन देखें, एक बार एक घर में उन्होंने घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो गए थे, तो उनको दूर भगाने के लिए तो नहीं, उनको मारने के लिए जो कीड़े मारने की दवाई होती है उसको वो लेकर के आए, और लाने के बाद में और वो उसको पैकेट को खोला, पैकेट के अंदर जो पॉलीथिन में दवाई थी उस पैकेट को भी वहां पर कट किया, और उसको जब कट कर रहे थे उसी समय में, पुराना जमाना था तो फोन की घंटी बज गई, फोन की घंटी बजी, तो उसने क्या किया कि उसको वहीं रखा किचन में ही, उसको वहां पर ऊपर सेल्फ में रख दिया, और वो फोन उठाने के लिए चली गई, और इसी बीच में क्या हुआ, किसी कारण से वो वहां पर गिर गया, तो उसमें जो जहर था वो नीचे कोई दाल सब्जी वगैरह रखी थी तो उसमें वो गिर गई। अब वहां पर वो गिर गई और उसी को जो है उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो खाने में आ गई, और उसके कारण में मरण को प्राप्त हो गया। अब यहां पर वो कहते हैं कि हमने तो अभी क्या कुछ, हम कोई कीड़ों को मारा ही नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पर कैसे हो गया। तो यहां आपने उस सामान को पहले तो मन में प्लानिंग बनाई, फिर उसको संग्रह भी कर लिया, आप उसको करने वाले थे किया नहीं, लेकिन उसके माध्यम से भी, यानी मन में सोचने मात्र मात्र से भी पाप का जो है आश्रय हो जाता है, और उसका बंध भी हो जाता है, और उसका फल भी फिर प्राप्त होता है। वो भी उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा कि एक छोटा सा मच्छर जो बड़े रागव मच्छ के कान में रहता है, तंदूर मच्छ कहलाता है, तंदूर की जैसी छोटी, इसकी चावल के जो है जैसी छोटी आकृति होती है, और वो भी जो है सप्तम नरक में पहुंच जाता है। तो वहां पर जो बड़ा मच्छ था वो कहता है उससे छोटे मच्छ से कि मैंने तो बहुत जीवों की हिंसा की है, मेरा आना तो यहाँ पर ठीक था, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो उस समय में वो छोटा मच्छ कहता है कि भले ही मैंने किसी जीव को नहीं मारा, लेकिन मन में तो ऐसे भाव रहते थे कि यदि मैं इसकी जगह होता, होता क्या था कि बड़ा मच्छ सो जाता था तो उसका मुंह खुला रहता, उसमें बहुत सारी मछलियां अंदर जाती थी और सब निकल जाती थी, तो ये बैठा बैठा सोचता यदि मैं इसकी जगह होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। बस इतना सोचने से मात्र से वो वहां पर सप्तम नरक को प्राप्त कर सकता। और जहां वीडियो गेम में बहुत सारे जो है एक दूसरे को मारने वाले करते रहते हैं वहां पर एक दूसरे को, तो उसमें कितने ही पाप का बंध होता होगा अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये जो है मन के माध्यम से भी सोचने से फल ही नहीं किया, लेकिन उसका फल प्राप्त होता है। अब एक और दूसरा, कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी, एक बार में खबर छपी थी कि एक कन्या ने, छत्तीसगढ़ की दुर्ग की घटना है, एक कन्या ने टमाटर को आधा बनाया, आधा आधा करके, और एक टमाटर के ऊपर उसने दवाई लगाई, कोई जीवों को मारने वाली कोई भी, और उसके बाद में वो भूल गई और उसने जिसने दवाई लगाई थी उसी को सलाद में बना, सलाद बना करके काट दिया और खा भी लिया, और वो मरण को भी प्राप्त हो, जबकि उसने वो सोचा था कि ये तो जो है चूहे आदि को मारने के लिए लगाई थी, लेकिन उसने खाने में उसके आ गई। तो ऐसी है, यहाँ पर जो है उसने कुछ काम किया नहीं भी, कोई जीव मरा नहीं, लेकिन भाव तो उसके मारने के थे, तो उसके माध्यम से वो वहां पर जो उसके फल को भी प्राप्त हो।
इसी प्रकार से जैसे किसी की अच्छी चीज को देख करके और कोई ने देखा, मन में केवल सोचा कि यहां कितनी अच्छी चीज है, काश हमारे पास ऐसी होती। अब बाद में जो है बिना उससे तो उससे पूछा कहां से लाए हो, बड़ी अच्छी चीज लग रही है, कितने की है, और ऐसा हुआ कि उसकी वो चीज चोरी हो गई। अब चोरी हो गई तो उसने जो है पुलिस को रिपोर्ट लगाई कि हमारे घर चोरी हो गई है। तो पुलिस ने पूछा तुम्हें किसके ऊपर शक है, तो उसने कहा कि हाँ वो एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि आपकी चीज बड़ी अच्छी, कहां से ली, कितने की है, होना हो उनने चुराई। तो पुलिस उसके पास में पहुंच गई तहकीकात के लिए। तो क्या होगा कि मन में जब तक अपने था आपने किसी को नहीं बताया, लेकिन उसका पाप पुलिस भी पकड़ सकती, लेकिन मन के पाप को कर्मों का जो काम है वो वहां पर नहीं होता। कर्मों का बंधन प्रत्येक समय 2400 घंटे और सातों दिन 365 दिन एक भी समय रुकता नहीं, हमेशा चलता है। चाहे व्यक्ति सो रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, कर्मों का बंधन तो प्रत्येक समय चलता रहता है। इसलिए इस आश्रव तत्व को यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से कर्मों का आश्रव होता है। तो ऐसा जो है आश्रव तत्व इन सात तत्वों में जानने के बाद में ये हमें इसके अशुभ आश्रव से बचने का प्रयास करना है। अच्छे कार्यों को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कार्य किए हुए तो रहना संभव नहीं, कुछ ना कुछ तो करते ही है। तो अच्छे कार्यों को करें, खराब कार्यों को ना करें, इसलिए जो है आश्रव तत्व को समझना आवश्यक है। जैसे बच्चा स्कूल से घर आया, आजकल तो स्कूल स्कूल जा ही नहीं, लेकिन फिर भी बच्चा जब स्कूल से आता था तो उस समय में उस कहता था कि हमको खेलने जाना है। अब माँ कहती है कि तुम स्कूल से आए हो तो पहले कुछ खा करके जाओ, तो कहता नहीं मैं खाऊंगा नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। तो माँ कहती है ऐसा करो दूध पी के जाओ, तो कहता नहीं मैं दूध भी नहीं पीऊंगा। तो माँ कहती है ऐसे नहीं चलेगा, तुम आए हो स्कूल से तो दो में से एक तो तुमको चुनना पड़ेगा, यदि तुम दो में से नहीं चुनोगे तो तुम्हें जो है खेलने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास में या तो हम अच्छा करें या खराब करें, तो उसमें हमारे लिए अच्छा एक साथ गुरु की पूजा है, दान आदि है, अच्छे कार्य परोपकार आदि के कार्य है, उनको अपने को चयन करना चाहिए, तो उससे हम पाप आश्रव से बच सकते हैं। अब जब कर्म आते हैं और कर्म बन जाते हैं तो इनका फल कब तक मिलता है, तो एक ही भाव स्तोत्र में लिखा है भव भव गतो, एक भव में किया हुआ कर्म का फल भवो भवो तक मिलता है। मोहनी कर्म के लिए बताया है उसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब इतने समय में कितनी 20 कोड़ा कोड़ी सागर की एक कल्पकाल होता है, यानी उसमें 24 तीर्थंकर इस तरफ के, 24 तीर्थंकर उस तरफ के, ये 48 तीर्थंकर हो जाएंगे। तो एक कल्पकाल 20 का तो कितनी हो जाएगी, कितनी 24 हो जाएगी, 7/24 ही हो जाएगी। इतने समय तक मोहनी कर्म का जो बंद किया है उसका वहां तक जो है कर्म का फल मिल सकता है। तो भव भव गतो, कर्म का जो है फल भव भव तक मिलता है। इसलिए बंद तत्व भी, क्योंकि आश्रम के माध्यम से ही बंद होता है, इसलिए बंद तत्व को भी जान करके उससे भी हमें, यानी आश्रम से बचेंगे तो बंद से भी अपन अपने आप बच जाए। तो ये आश्रव बंद। अब संवर, संवर जो है उसमें जिसके माध्यम से पानी का आना रुका था, तो उस समय में पानी के आने के रोकने के लिए आपने उसमें लकड़ी कपड़ा आदि उसमें लगाया था छेद में, तो यहां पर अपने लिए संवर के लिए क्या साधन है, तो उसमें बताया गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री। गुप्ति यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक लो, सामयिक करते हैं, जाप देते हैं, उस समय में हम सारे पापों से बच सकते हैं। काय के माध्यम से कोई पाप नहीं हो रहा, वचनों में भी वहां पर अपन शुभ वचनों को बोल रहे हैं तो उससे पाप नहीं हो रहा, और मन में यदि अपन उसमें चिंतन में कहीं पर उसको एकाग्र कर ले तो अपन मन के माध्यम से भी पाप से बच सकते हैं।
तो बुद्धि में सबसे ज्यादा, सामयिक में सबसे ज्यादा पापों से बचना होता है। उस समय में कहा है श्रावक के लिए चेलों को श्रेष्ठ मुनि रे, यानी जिस मुनिराज के ऊपर उत्सर्ग हो गया है, किसी ने हमको कपड़े से लपेट दिया है, ऐसा जो है श्रावक के लिए उपमा दी। तो सामयिक के समय थोड़ा समय निकाल करके अपने लिए ये बुद्धि है, इसमें अपन पूरे मन संबंधी भी यदि पर उसमें नियंत्रण कर ले, अच्छा सोचने लगे, जैसे माला फेरने में मन नहीं लगता, तो यदि आपको शिखर समेत की 24 टोकों की क्रम याद हो तो बहुत अच्छा क्रम लगा सकते हैं। कुथुनान भगवान की टोक पर एक नौवार ओंकार मंत्र, फिर इसके बाद में नवीनाथ, ऐसे करते 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 पूरी 24 टोकों पर यदि आपने गाय सेट किया तो 2 मालाएं हो जाएंगी, आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। यदि ये भी नहीं आता है तो वही ऋषभनाथ भगवान बड़े बाबा के सामने 9 बार, फिर जहां जितना भगवान की प्रतिमा देखी हो उनके सामने जितना भगवान को ध्यान करके उनके सामने 9 बार, ऐसे करते करते 24 भगवान के सामने 9 बार ओंकार मंत्र पढ़ो तो 2 मालाएं अपनी बहुत अच्छी तरह से पूरे पापों से बचते हुए हो सकती। तो ये एक बुद्धि। फिर दूसरा साधन है समिति। समिति यानी अपन जो कुछ भी करें उसमें सावधानी रहे, चले तो उसमें सावधानी यानी देख करके चले, बोले तो उसमें सावधानी यानी अच्छा बोले, कम बोले और प्रिय बोले, हितकारी बोले। फिर इसके बाद में किसमें होता है, और किसी चीज को रखते हैं उठाते हैं उसमें सावधानी रखें। रखते उठाने में जैसे स्कूल से आते हैं बच्चे, उस समय में अपने थैले को फेंक देते हैं, तो उस समय जहां फेंका वहां पर कोई जीत भी हो सकता है। तो कोई भी चीज रखें उठाएं उसमें सावधानी रखें। घर में जितने जो गृहणियां भोजन बनाती हैं उसमें सावधानी रखें, जैसे सबसे पहली बार जब चूल्हा भी जलाते हैं तो उसमें पहले चूल्हे को ठोक करके, कोई उसमें कॉकरोच आदि तो नहीं बैठा है। पुराने जमाने में चक्की पीसते थे तो जो उसकी चक्की होती थी पत्थर की, तो उस समय में उसको जो है सबसे आखिरी में जो हैंडल रहता था, हत्था रहता था, उसको सबसे पास में ला करके रखते थे। मतलब ये भी कला थी उसमें, ऐसे ही कहीं छोड़ दो उसको, उसको अपने पास में रखते थे। क्यों रखते थे कि जब उसको दूसरे दिन उठाएंगे ऐसे पर तो अपने को नीचे दिख जाएगा कि कोई जीव तो नहीं, यानी उसमें किसी जीव की विराधना नहीं हो। ये सावधानियां प्रवृत्तिगत सावधानियां ही साधुओं की समिति होती है, लेकिन श्रावक भी उनसे सीख लेकर के अपनी हर चीज में सावधानी रख सकता है। तो इस सावधानी के माध्यम से भी हम बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। तो ये हो गई व्रत समिति, गुप्ति गुप्ति समिति, व्रत व्रतों के माध्यम से जिन्होंने जितने व्रत ले लिए उतने उतने जो उन पापों से बच गए। फिर इसी प्रकार से धर्म का चिंतन, अनुप्रेक्षा, पारे भावनाओं का चिंतन और परिशय आदि जो साधुओं के होते हैं उनका भी एक देश को जन से पालन करके लिए अपन बहुत सारे पापों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये जो है संवर्ध। अब इसके बाद में निर्जरा। निर्जरा कैसे होती है? निर्जरा होती है तपसा निर्जरा च, तप के माध्यम से, उपासादि के माध्यम से, और दूसरा है उसमें इच्छा निरोधस तपा। जो भी इच्छाएं हैं खोटी इच्छाओं को रोक देना, अच्छी अच्छी इच्छाओं को नहीं। कोई शिखर जी जाना है भैया, इच्छा हो रही शिखर जाने की, इसका जो हम नहीं जाएंगे तो हमारा तप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो खराब इच्छाएं, कोई चीज खरीदने की इच्छा है भैया नहीं खरीदो, कोई मुझसे जरूर नहीं है सब, तो वो वहां पर अपना आंशिक जो है तप के रूप में देखा जा सकता है। तो इसके माध्यम से कर्मों की निद्रा होती है और धीरे धीरे करते करते उस निद्रा के पद पर चलते हैं तो बाद में जो है मुक्ति की प्राप्त होती है। अब इन्हें जो कर्मों का आना होता है उसमें 4 चीजें होती है। जो कर्म आते हैं उसकी कोई ना कोई प्रकृति होती है, प्रकृति यानी उसका नेचर होता है। जैसे कर्म आया है तो ज्ञान को ढकेगा कि दर्शन को ढकेगा कि हमारे सुख दुख में कारण बनेगा, ये कर्म का जो है प्रकृति रहती है। जैसे कि मेडिसिन होती है ना, मेडिसिन में उनकी प्रकृति रहती है कि ये सर्दी की है, ये सिर दर्द की है, ये खांसी की है, सब अलग अलग होती है, तो ये उसकी प्रकृति होगी। फिर इसके बाद में
स्थिति, स्थिति क्रिया प्रदेश ले सकते हैं। तो स्थिति में देखें तो ये कर्म आया है वो कितने समय तक टिकेगा, वो उसकी स्थिति कहलाती है। इसी प्रकार से आपकी जो मेडिसिन होती है उसके ऊपर लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, यानी कब तक वो काम करेगी, वो एक्सपायरी डेट उसकी स्थिति हो गई। फिर इसके बाद में प्रदेश, यानी उसका आकार कितना है, तो वो गोली भी हो सकती है, चपटी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, गोली भी होती है। तो कर्मों का जो समूह रहता है वो कर्म कितने संख्या में है, कितनी जगह को घेर रहे हैं, वो उसका प्रदेश हो गया। और उसके बाद में होता है अनुभाव, यानी उसकी शक्ति कितनी है। तो शक्ति जो होती है वो अनुभाव कहलाता है। जैसे आपकी दवाई की जो रहती है उसमें एमजी होती है, कई बार जो है छोटी सी गोली है लेकिन उसकी एमजी बहुत ज्यादा हो सकती है, और कई बार बच्चों की गोली बहुत बड़ी होगी लेकिन उसकी एमजी बहुत कम रहेगी। इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे एक गिलास पानी है और एक गिलास पानी बहुत यदि गर्म हो तो उसकी जो है मात्रा जो है प्रदेश तो कम है लेकिन उसकी पोटेंसी ज्यादा है, और बाल्टी भर पानी है और वो गुनगुना है तो इसका प्रदेश तो ज्यादा है लेकिन इसके अनुभाव कम है। तो ये चार चीजों के माध्यम से वहां पर कर्मों का उदय होता है। कर्मों का उदय होना सत्य है जब तक कर्म उसमें पड़े रहते हैं, और कर्मों का बंद होता है। कर्मों में उनकी जो है शक्ति को बढ़ा भी दिया जाता है, स्थिति को बढ़ा दिया जाता है वो उत्कर्षण कहलाता है, उनको कम कर लिया जाता है वो अपकर्षण कहलाता है भावों के माध्यम से। फिर उसमें भी यदंति निकाचित भी कर्म होते हैं, उपशम भी होता है। तो इस प्रकार से कर्मों के सारे स्वरूप को समझना। अब इसमें एक होती है उदीर्णा, उदीर्णा यानी पूर्व के आगे उदय में आने वाले जो कर्म है उनको किसी विशेष माध्यम से पहले उनका उदय आने लगा वो कहलाती है उदीर्णा। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक सेठी थे और बड़े धनाढ्य थे, राजाओं के लिए भी मदद करते थे। पहले अपने यहाँ जैन जो बड़े बड़े सेठ हुए हैं उसमें उन्होंने राजाओं के लिए भी मदद की, बल्कि राजाओं से भी ज्यादा सामर्थ्य वाले थे। जहां पर राजा भी जिस चीज को खरीदने में समर्थ नहीं थे वहां पर सेठों ने उसको खरीद लिया, और उनकी बहुओं ने पसंद नहीं किया तो उसकी जूती बना करके भी वो पहनते, ऐसी सामर्थ्य वाले थे। तो राजा की उन्होंने मदद की, और समय बीतने पर ऐसा हुआ कि सेठ के ऊपर ही आपत्ति आ गई, उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, ऐसी स्थिति हो गई कि खाने पीने के भी लाले पड़ गए। अब सेठानी ने कहा कि आप राजा के पास जाओ, आपने राजा की पहले मदद की थी तो राजा से मदद मांगो। तो सेठ जी ने कहा कि मैंने राजा की मदद की थी लेकिन राजा को तो मेरे बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मेरे ऊपर ऐसी आपत्ति आई है, तो उनको स्वयं बोलना चाहिए कि हम तुम्हारी मदद करते हैं। तो सेठानी ने कहा कि राजा के लिए एक काम नहीं रहता, बहुत सारे काम रहते हैं जहां पर अन्य राजाओं से भी अपनी रक्षा करनी रहती है, पूरी प्रजा को देखना पड़ता है, इसलिए ऐसा मत कहो, आप राजा के पास जाओ और कुछ ना कुछ मदद अवश्य करें। तो वो नहीं जाने नहीं मन में था, फिर भी सेठानी के कहने पर और परिस्थिति ऐसी हो गई थी तो वो गए राजा के पास। राजा ने वहां पर कहा आओ सेठ जी क्या हाल चाल है, तो मतलब उनको कुछ जानकारी नहीं थी। फिर उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी परिस्थिति हो गई है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके लिए एक बकरी देते हैं और आप इसको ले जाओ और दूध देगी, उससे जो अपना जितना खाओ खा सको नहीं तो बेच करके अपना काम चलाओ। तो स्थिति तो ऐसी थी कि यदि धरती फट जाए तो यहीं पर जो है इसमें समा जाए, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि उस समय में नहीं चाहे थे, अभी सेठानी का मुख याद आ गया और उस बकरी को उन्होंने एक सेवक के माध्यम से भेज दिया। दो तीन दिन गुजरे कि वो बकरी जो है मर्द को प्राप्त हो। फिर सेठानी ने कहा कि आप जाओ वहां पर, तो परिस्थिति देख करके नहीं जाना चाहते कभी, फिर भी गए और इस बार भी उन्होंने फिर पूछा और सारी बात सुन करके कहा कि इस बार हम आपके लिए एक भैंस देते हैं, अच्छा दूध देगी और एक सेवक भी देते हैं वो सेवा करेगा, और वही आप उसको जितना खा सको खाओ नहीं तो बेच करके उससे अपना जीवन चलाओ। लेकर के आ गए और
एक महीने तक तो ठीक रहा, लेकिन एक दिन वो जंगल में गई और कुछ खा करके जब वहां से लौट करके आई और आने के बाद में ही वो उसके ये चक्कर आ गया, उसके मुख से जो है फैन फांसू करारी निकलने लगा और थोड़ी देर में उसने वहां पर प्राण त्याग दिए, बचाने का कोई समय नहीं। फिर सेठानी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि क्या मदद कर रहे हैं राजा, मैं नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा कि जरूर राजा की दूरदृष्टि है, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि आप जाएंगे तो फिर आपको दोबारा नहीं जाना। तो मन मार करके फिर जो है गए और उन्होंने फिर विचार करके कि इस बार हम आपके लिए काफी गाय दे रहे हैं और वो थोड़े दिनों बाद में जो है बछड़े को जन्म देगी और उसके बाद में खूब भरपूर देगी, दूध देगी और हमें विश्वास है कि आपके लिए सहायक है। तो फिर वो लेकर के आ गए और वो जो है गाय वहां पर जैसा कहा था वैसा ही हुआ और कई महीने बीत गए। फिर एक दिन जो है राजा ने स्वयं उनको बुलवाया और बुलवाने के बाद में फिर कहा कि कहो सेठ जी कैसा चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि वैसे मुझे आना चाहिए था आपका, आपने हमारे ऊपर उपकार किया, हमारे लिए किया है, हमें बताने आना चाहिए कि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं नहीं आ पाया, क्षमा मांगता हूँ। तो उस समय राजा कहने लगे कि नहीं, मैं सारी चीजों को देख रहा था और उन्होंने उस समय में उनको अपने बगल में बिठा करके कहा कि ये सारा जो है खजाना यहाँ पर है, अब आप चाहो तो इसमें से जो जितना चाहो वैसा ले सकते। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले तो कहाँ जो बकरी भैंस पकड़ा रहे थे और आज जो है पूरी खजाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपके कर्म की स्थितियों को देख रहे थे, आपके अभी समय में पाप कर्म की तीव्र उदीर्णा चल रही थी, जहां पूरा इतना भरपूर जो आपका व्यापार था जो राजा को सहायता देने लायक था और आज ऐसी स्थिति आ गई, इसका मतलब आपके पाप कर्म की तीव्र उदीर्णा चल रही थी। इस समय में यदि हम आपको कोई भी सहायता करते, ये खजाना भी पकड़ा देते तो वो भी सारा का सारा समाप्त हो जाता, इसलिए हम इसकी परीक्षा के लिए पहले आपको बकरी दी और वो जब 3 दिन में खत्म हो गई तो हम समझ गए कि अभी भी इनका पाप कर्म का उदय चल रहा है। उसके बाद में भैंस महीने तक की मतलब थोड़ा सा स्थिति तो सुधर रही है लेकिन अभी भी जो है नियंत्रण में नहीं, और जब वो गाय आपके पास टिक गई तो हम समझ गए कि अब आपके लिए यदि संपत्ति प्राप्त होगी तो आप अपने पुराने जो है साम्राज्य को फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर कर्मों की उदीर्णा जो होती है उसको भी अपन समझ सकते हैं। तो आज यहाँ पर अपने काव्य में कि जो 7 तत्वों के प्रतिपादक हैं, जिसमें कि अपन ने कर्म के निद्रा तक समझा था, और जब सारे कर्मों से मुक्त अवस्था जो होती है वो मोक्ष होती है, उसको जिन्होंने प्राप्त किया है और उनके ही 8 गुणों को जो कि सम्यक दर्शन जिसमें सद्भक्ति में आता है, सम्मत नाण वंसन वीर्य सोमंत एव ग्रहणम अग्रयोग बाबाहम 8 गुणा होम की सिद्धा, ऐसे 8 गुणों से युक्त जो सिद्ध होते हैं उनमें सम्यक जो होता है वो मोहिनी कर्म के नाश से उनको प्राप्त होता है। फिर इसके बाद में ज्ञानावणी कर्म के नाश से उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, दर्शनावणी के नाश से उनको पूर्ण दर्शन प्राप्त होता है जिसको केवल दर्शन कहते हैं। इसके बाद में वीर जो है अनंत शक्ति, ये अंतराय कर्म के नाश से प्राप्त होती है, सूक्ष्मत्व ये नाम कर्म के नाश से प्राप्त होती है। फिर इसके बाद में अवगाहन ये जो होती है वो अवगाहन किसके माध्यम से बाधा प्राप्ति नाम करते हैं, इसमें सूक्ष्मत्व सारे कर्मों में जो है सूक्ष्मत्व नाम कर्म के द्वारा होता है, ज्ञानावणी दर्शन और वेदनी के माध्यम से अव्यवाद आता है और अनुव्यव गोत्र कर्म के नाम से आता है। तो नाम कर्म से यहाँ पर जो है सूक्ष्म हो गया, ज्ञानावणी दर्शन वेदनी मोहनी आयु कर्म के नाम से जो है वहां पर अवगमनत्व आता है, ये ऐसे इनके कर्मों को नाश करके वो इन गुणों को प्राप्त करते। तो अवगमनत्व क्या होता है कि जहां पर सारे सिद्ध एक साथ में एक दूसरे में रहते हैं लेकिन सबका स्वरूप अपना अपना बना रहता है, एक दूसरे को बाधा को प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे 8 गुणों से युक्त सिद्ध होते हैं। और यहाँ पर जो प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमोजनाय, जो प्रशांत रूप है जिनका, जिनके रूप को देख करके अपने मन के भी सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, भगवान
भगवान की मूर्ति के दर्शन करने के जिसमें जिन्होंने कभी दर्शन नहीं भी किए हैं उनके लिए भी जब दिगंबर मुद्रा को देखते हैं तो उनके लिए भी वहां पर आह्लाद और आनंद की प्राप्ति होती है। एक बार एक जो जैन नहीं थे पालीताना में घूमने के लिए गए जहां पर हजारों श्वेतांबर मंदिर है उसके बीच में एकमात्र दिगंबर मंदिर और वहां पर जब पहुंचे तो वो पति पत्नी ने पत्नी बोलती है कि ये तो भगवान जैसे लग रहे। जब ऐसा बोला तो वहां पर बड़े पंडित जी जगन मोहन लाल जी कटनी वाले पूजा कर रहे थे उस समय की बात तो उन्होंने कहा कि कोई जैन तो ऐसा नहीं बोल सकता कि भगवान जैसे लग रहे हैं, जरूर ही अजैन होंगे। और जब उनकी वो दृष्टि डाली तो लगा कि ये तो भूषभूषा से भी जैन नहीं लग रहे हैं तो वो पूजा को जहां रोक सकते थे उन्होंने पूजा को रोका और उनके पीछे गए। तो पहले तो वो घबराए कि धोती दुपट्टा पहनकर कोई पट्टा पैसा लेने आ रहा है तो उन्होंने कहा नहीं हमें पैसे से कुछ नहीं चाहिए हमें तो ये बताओ कि आपने ऐसा क्यों बोला कि ये भगवान जैसे लग रहे हैं। तो उस समय में उस जो पत्नी थी उसने पति को देख करके मुस्कुराते हुए कहा कि अभी हम यहाँ पर बहुत सारी जगह गए वो हमको सब राजमहल दिख रहे थे क्योंकि सारे आभूषणों से लदे हुए थे तो वो हमें राजा लग रहे थे लेकिन इस बीच के मंदिर में ऐसा लग रहा है कि ये भगवान है। सोचो ये दिगंबर तो जो प्रशांत रूप है उसको देखकर वो जिसने कभी दर्शन नहीं किए हैं उसके लिए भी उसमें भगवत्ता नजर आ जाती है ऐसा भगवान का रूप है। और उनसे पूछा कि आप अपने यहाँ कौन से मंदिर में जाते हैं तो उसने कहा कि हम राजा राम के मंदिर में जाते हैं। भगवान राम नहीं बोला हम राजा राम के मंदिर में जाते हैं उनको आदर्श रूप में मानते हैं उन्होंने अपने पिता के प्रति भाई के प्रति कर्तव्य को सिखाया है इसलिए हम राजा राम के मंदिर में जाते हैं। तो राजा जब तक उनकी राजावस्था थी तब तक के संसारी के लोग उनको मानते हैं बाद में जब उन्होंने दिगंबर अवस्था को प्राप्त किया भगवत्ता को प्राप्त किया वो जो है दिगंबर रूप प्रशांत रूप आया दिगंबर आए देवादि देवाय मोजनाय ऐसे भावों के साथ में अपने लिए भगवान के दर्शन करते हुए इस पाठ को पढ़ते हुए कैसे कुछ भावों को अपन इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं समय हो गया है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव